हे गाइस, मैं कुमार आप सभी को मेरे चैनल इनक्रेडिबल इंडिया पे स्वागत करता हूँ। गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि आप लोगों को मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी मेरे इस वीडियो पे पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों का भी एक यूट्यूब चैनल है और आप अपने चैनल को बहुत जल्द ग्रो करना चाहते हो। तो गाइस, मेरे चैनल पे आप लोग बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स देने जाऊंगा और जैसे ट्रिक्स बताने जाऊंगा, जिससे कि सिर्फ 15 दिनों में आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो सके, यानी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो गाइस, आप एंड तक मेरे वीडियो में बने रहें। अगर आप स्किप करने वाले हो तो प्लीज इस वीडियो को ही पूरा स्किप कर दो, क्योंकि अगर आप आधा अधूरा वीडियो को देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप बाद में मुझे बोलोगे कि भाई आपके बताए ट्रिक्स और टिप्स मेरे चैनल पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, एंड तक वीडियो कंटिन्यूसली देखें। तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं कि ये 2020 का न्यू ट्रिक्स है यूट्यूब चैनल ग्रो करने के लिए और ये एक नॉलेजेबल वीडियो होगा आप लोगों के लिए, तो एंड तक बने रहे। तो फ्रेंड्स, न्यू यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन यूट्यूब के तरफ से होता है 1000 सब्सक्राइबर, यानी 1000 सब्सक्राइबर, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम यूट्यूब पे इजीली पहले 100 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं, पर 1000 नहीं, क्योंकि हम अपने दोस्तों से कहकर पहले 100 सब्सक्राइबर तो पूरे कर लेते हैं, पर 1000 सब्सक्राइबर जब पूरे करने की बात आती है तब पता चलता है कि 1000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कितना बड़ा होता है नए यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 2-3 दिनों में ही अपने यूट्यूब चैनल पे 400 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया हूं। तो ये 2020 का नया टिप्स और नए ट्रिक्स होंगे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि 1000 सब्सक्राइबर आपके चैनल पे पहले 15 दिनों में ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को कुल 8 ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप अपने यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हो। तो पहले नंबर पे आता है कि आप अगर एक यूट्यूब क्रिएटर हो, नए क्रिएटर हो, तो आप लोगों को एक PC या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप अपने चैनल को सक्सेसफुली अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अगर आपके पास PC या लैपटॉप नहीं है, या आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, या आप एफोर्ड नहीं कर सकते एक लैपटॉप को, तो आप अपने नियरेस्ट साइबर कैफे में जाके अपने वीडियोस अपलोड कर सकते हो और कुल 15 दिनों के अंदर हर एक बार जाकर अपने वीडियो को एनालाइज कर सकते हो, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपके चैनल पे कुछ ग्रोथ हो रहा है या नहीं, और आप अपने एनालिटिक्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, दूसरा ट्रिक है कि जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो उसी वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ टैग्स देनी पड़ेगी, और फ्रेंड्स, उसी टैग की मदद से आपके वीडियो का वायरल होने का चांस बढ़ जाता है, और फिर आप 10-15 दिनों के अंदर जाके उसी वीडियो के फिर से एनालाइज करो, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टैग रैंक कर गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अगर आपके रैंक किए गए टैग्स को आप फिर से वीडियो में अपने नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करते हो, जो वीडियो कि आपके उसी टैग से रिलेटेड होता है, तो उसी वीडियो का फिर से वायरल होने का चांसेस बढ़ जाता है। तीसरे ट्रिक के बारे में बोलूँगा कि अगर आप 3-4 महीनों से अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली वीडियो पोस्ट कर रहे हो और फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप 1-2 बार बड़े यूट्यूब क्रिएटर्स के नाम यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोस में, जिससे कि आपके व्यूज बढ़ जाएंगे और आपके सब्सक्राइबर ग्रोथ होने में मदद हो जाएगी। और हाँ, आपको उनके नाम यूज़ करके नेगेटिव वीडियोस नहीं बनानी है, जिससे कि अगर आप नेगेटिव वीडियोस बना लेते हो तो आपके हेटर्स पैदा हो जाएंगे, आपके फैंस नहीं। गाइस, ये तो हो गई 3 ट्रिक्स। अभी हम चौथे ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि जब भी एक बड़ा यूट्यूबर अपने आप वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट करे, तभी आपको अपने चैनल को उसी वीडियो में प्रमोट करना पड़ेगा। गाइस, आप सभी को बता दूं कि आप लोग एक गलती कर देते हो अपने यूट्यूब के चैनल के लिंक उनके कमेंट बॉक्स में डाल के, जिससे कि आपका कमेंट स्पैम कमेंट में चला जाता है और आपके कमेंट को कोई भी देख नहीं सकता, और इसके बाद आपको यूट्यूब के तरफ से कुछ स्ट्राइक भी आ जाएंगी, जो कि यूट्यूब के तरफ से पूरा इलीगल है। तो आप अपने चैनल के लिंक को कमेंट बॉक्स में ना देखें, आप ऐसा कर सकते हो कि अपने चैनल के
हैशटैग को आप उसी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और अगर उसी हैशटैग पे अगर कोई व्यूअर या कमेंटर अगर क्लिक करेगा तो तुरंत आपका चैनल उसी कमेंट से अन हो जाएगा। और इसी तरह से आप अपने चैनल को दूसरे यूट्यूबर के चैनल पे प्रमोट कर सकते हो। पांचवें ट्रिक पे आता है कि आप जब भी अपने वीडियोस को अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हो तो आप अपने दोस्तों के मोबाइल से या फिर अपने फैमिली मेंबर के किसी के भी मोबाइल से 20-25 बार उस वीडियो को देख लेना, जिससे कि अगर आपका वीडियो नीचे दबा हुआ होगा तो धीरे धीरे रैंक कर जाएगा। अगर आपको अपना वीडियोस नहीं मिल रहा है तो आप अपने वीडियो का टाइटल लिख के साइड पे अपने चैनल के नाम लिख दें, जिससे कि आपको अपना वीडियो मिल जाएगा। और इसे 20-25 बार देखने के बाद आपका वीडियो धीरे धीरे ग्रो करके रैंक कर जाएगा। और गाइस, अगर फिर भी आपका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको बीच बीच में अपना कंटेंट बदलना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अपने चैनल में किया था कि मैंने बीच में एक बार इंडियन मार्शल बैंड का एक वीडियो अपलोड कर दिया था और आज की डेट पे उस वीडियो को 44K व्यूज मिल चुकी हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने कंटेंट बदल के बीच बीच में एक दो बार दूसरे कंटेंट डाल के अपना वीडियोस वायरल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर अपना चैनल ग्रो करना है तो आपको रेगुलरली यूट्यूब पे रहना पड़ेगा, यानी रेगुलरली वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी, ना कि आप एक साल में, एक मंथ में या 15 दिनों में या फिर एक हफ्ते में करो, बल्कि आप हर रोज एक एक वीडियो डालते रहो, जिससे कि आपका वीडियोस वायरल होने का चांस बढ़ जाता है। और आप रेगुलरली अगर यूट्यूब पे रहोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको समझ लेगा कि ये एक नया यूट्यूब क्रिएटर है जो कि यूट्यूब पे ग्रो करना चाहता है। फ्रेंड्स, मैं आपको आखिरी ट्रिक के बारे में बताऊंगा, यानी आठवें ट्रिक के बारे में बताऊंगा, यानी आपको यूट्यूब पे जो भी ट्रेंड चल रहा है आपको उसी ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब के ट्रेंड पे चल रहा है रानू मंडल, तो आपको रानू मंडल के ऊपर में एक दो वीडियोस बना के छोड़ देनी पड़ेगी, जिससे कि आपका चैनल बहुत जल्द ग्रो कर सकता है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर लेना, जिससे कि आप सभी को मेरे चैनल पे यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले मिल सके। जय हिंद। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप अपने भाई के चैनल पे नए आए हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं, और भाई के चैनल को जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।